दोस्तों आज की जो वीडियो है वो ओवरहीटिंग के ऊपर होने वाली है। जैसा आप देख पा रहे होगे, ये हमारे पास ब्रीजा है, पेट्रोल में 1.5 लीटर इंजन है इसका, और ये जो गाड़ी जो है ओवरहीट हो रही है। ओवरहीट किस कंडीशन में हुई है, क्यों हुई है ओवरहीट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी इसी वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये डैमेज हुई है फ्रंट से गाड़ी लगने के बाद। फ्रंट से इस गाड़ी की टक्कर हुई है, टक्कर होने के बाद जो है इसका फैन स्लॉट जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पे जाकर के टकराया है, और टकराने के बाद जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है फैन का स्लॉट जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है चिपकने के बाद। आप देख पा रहे होंगे चिपकने के बाद जो है इसकी मोटर हीट हो गई, वो मोटर हीट होने के बाद जो है गाड़ी भी हीट हो गई है, क्योंकि मोटर नहीं चली, इसका फैन नहीं चला, तो इस वजह से जो है गाड़ी ये हीट हो गई है। तो मैं भी आपको इसका बम्पर खोल कर दिखा रहा हूँ फ्रंट से। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला निशान, ये इसका यहाँ से जो है सही करा दिया है, अभी खिंचवा दिया है, जो है इसका कंडेंसर के लिए जुगाड़ कराया है इसके अंदर, कंडेंसर जो है छोटा कंडेंसर इसके अंदर लगा है। अभी हम इसके अंदर जो है प्रॉपर जो है इसका काम करने जा रहे हैं, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर ये पूरी जो है इसकी मेल्ट होकर के चिपक गई है फैन स्लॉट की, और अभी जो है इसके अंदर हम पूरा प्रॉपर इसका वर्क करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो रेडिएटर की कॉलर जो है एक साइड से जो है पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है इसकी, और एक साइड से जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ से मेल्ट होने के बाद जो आपको ये होल दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसके थ्रू इसने यहाँ से जो है पानी बाहर फेंक दिया है, बाहर फेंकने के बाद रेडिएटर के अंदर का पानी जो है कम हो गया है, कम होने के बाद जो है गाड़ी हीट होनी स्टार्ट हो गई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाल, ये थर्मोस्टेट का वाल है, ये भी पूरी तरीके से बेंड हो चुका है। ये पूरी तरीके से बेंड हो चुका है, वो तो गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हुई है ये। अभी हम देखते हैं इसके अंदर, इतनी भी हीट नहीं हुआ है कि इसका इंजन खुलेगा, बट हीट हुई है गाड़ी, और हीट होने की सिचुएशन में जो है इसका जो है रेडिएटर फैन एसी कंडेंसर ये सब हम जो है चेंज कर देंगे। कंडेंसर इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि लगने के बाद उन्होंने कंडेंसर तो कस्टमर ने इसका बाहर से चेंज करा लिया था, ओरिजिनल तो नहीं लगाया लेकिन किसी दूसरे मॉडल का लगवा लिया है उन्होंने, छोटा कंडेंसर है वो, तो हम इसमें जो है इसी मॉडल का कंडेंसर लगाने जा रहे हैं, रेडिएटर फैन थर्मोस्टेट वाल ये हम इसके अंदर डाल देंगे, फिर हम गाड़ी को जो है चेक करेंगे चला कर भी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अभी वीडियो के अंदर बने रहिए, मैं आपको सारा सामान डालने के बाद चेक कराऊंगा गाड़ी ओके हुई है या नहीं हुई है। अभी हमने इसके अंदर जो है नया कंडेंसर लगा दिया है, और नया रेडिएटर हमने इसके अंदर फिटमेंट कर दिया इसके अंदर, और नया रेडिएटर फैन हमने लगा दिया है इसके अंदर। जैसे आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो नया रेडिएटर है उसका जो गला है वो मेल्ट नहीं हो रहा है, पिघलना हुआ नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई दे रही है उसकी कॉलर, और जैसे मैं आपको पुराना दिखाने जा रहा हूँ अभी, पुराने में आपको पिघला हुआ दिखाई देगा। ये वाला पुराना रेडिएटर है और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये मेल्ट हो गया है हीट होने की वजह से, जिसकी वजह से कूलेंट गाड़ी बाहर फेंक रही है और हीट हो रही है। तो मेन रीज़न इसका यही है हीट होने का, क्योंकि यहाँ से जैसी गाड़ी का इम्पैक्ट सामने से फ्रंट से लगा है, और लगने के बाद जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से फैन टकरा करके हीट हो करके जो है वो मोटर ने काम बंद कर दिया है, मोटर फूक गई है उसकी, तो गाड़ी हीट होना स्टार्ट होगी। हीट का टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि उसका जो रेडिएटर का जो गला है यानी कि मुंह है वो इस तरीके से पिघल गया कि जो है वहाँ से पानी लीकेज होना स्टार्ट होगा, कूलेंट लीकेज होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से गाड़ी हीट होने स्टार्ट हो गई।
जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा रेडिएटर वो पिघला हुआ है साइड से पूरे तरीके से। तो यही रीज़न है गाड़ी का ओवर हीट होने का, क्योंकि लगने के बाद जो है गाड़ी का जो फैन है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से टकराने के बाद गर्म हो करके वो जो है ख़राब हो गया और चलना बंद हो गया, जिसके वजह से गाड़ी ओवर हीट हुई है। तो चलिए अब हम गाड़ी के अंदर जो है कूलेंट डालने जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और स्टार्ट करते टाइम जो है कूलेंट हम इसके अंदर जो है डाल रहे हैं 2 लीटर कूलेंट, और बाकी जो है हम इसके अंदर पानी डालेंगे, क्योंकि 370 का रेशियो होता है, 30% कूलेंट और 70% पानी इंजन के अंदर होना चाहिए। तो अभी हमने कूलेंट डाल दिया है, गाड़ी स्टार्ट है और अभी हम इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन करेंगे, ऑटोमेटिक फ़ैन चलाएंगे और जी ऑटोमेटिक ही फ़ैन बंद हो जाएगा, और टेम्परेचर टेस्ट करेंगे कि टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, गाड़ी हीट तो नहीं हो रही है। तो अभी हमने कूलेंट डाल दिया है इसके अंदर। तो चलिए विद एसी और विदाउट एसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही गाड़ी के अंदर। 50 किलोमीटर का हमने रोड टेस्ट ले लिया है। तो दिक्कत हमने आपको बताई थी ओवर हीट होने की, दिक्कत यही थी कि जो है गाड़ी लगने के फ्रंट से इम्पैक्ट होने के बाद रेडिएटर का फैन हीट होने के बाद काम छोड़ दिया, जिस वजह से गाड़ी हीट हो रही थी। बस ये रीज़न